90 वर्ष बयसरे पाद देइछंती मयूरभंजर वर्तमान राजमाता भारती राजलक्ष्मी भंजदेव धूमधाम रे पालन हेउची राजमातांक जन्मदिन चलचंचल होई उठिची मयूरभंजर राज पैलेस छौ नृत्य माध्यम रे राजमातांक जणा जाइतला शुभेच्छा। बयस 90 हेले ना मुखमंडलर औजल्य कमिची ना राजकीय चमक फीका पडिची। ये हेउछंती मयूरभंज राजमाता भारती राजलक्ष्मी भंजदेव जहाँ 90तम जन्मदिन बेश धूमधाम रे पालन होइछि। एथिपाई उत्सव मुखर होइ उठिथिला मयूरभंज राज्य दरबार। जन्मदिन को अतिथि भावे निमंत्रित होइथिले राज्य तथा राज्य बाहर रो अनेक राज परिवार। राज्यमाता मध्य एही अवसर रे मयूरभंज वासी को देथिले तांको वार्ता। मा किछि किछि के पाले अबर से सब बोल करी चालै छी सिंगल जनरेशन को कर ब्लेस द पीपल और बाय बाय बाकी चीज से से ब्लेस एवरीबॉडी ऑल द टाइम पर एठी आसी करी नागला नै इमती के मतलब मो ससुराल रे आसी खूब भल करी मते राखले और जियो रकम राखले और जते सिखाइबार थेला मामा को ओडिया कर सबु जिमती जोहार करिबार नै तो खाइबार साइबार सबु भोग सबु भू खूब भल करी मते सिखाइले। उत्सव में देखा मिलता परंपरार प्रदर्शन जन्मदिन आसर आडंबर को द्विगुणित कर मयूरभंजर प्रसिद्ध छौ नृत्य जार पृष्ठपोषक निजे राजमाता। 1928 नेपाल राजधानी काठमांडू जन्मग्रहण करते राजलक्ष्मी भंजदेव। 1952 मयूरभंजर तत्कालीन महाराजा प्रदीपचंद्र भंजदेव को विवाह कर मयूरभंज। छौ नृत्य व्यतीत व्याघ्र संरक्षण मयूरभंजर ऐतिह्य कला और संस्कृतिर से थिले पृष्ठपोषक। तांको निकटरु देखि नुआ पीढ़ी मध्य साउटी थिले नुआ अनुभूति। कम्युनिटी के कैसे डेवलपमेंट करते हैं, गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन, तो अभी जब यंग भी थे सिमलीपाल के बारे में कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। मयूरभंज के क्या आर्ट्स और कल्चर क्या थे वो सिखाने में वो ही हमारा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था। मैं प्रथम थर पर राजमाता को देखी और मयूरभंज देखिए बहुत खुशी लगुच्छे मत मयूरभंज कल्चर पर से बहुत रिसर्च कर शुणी मत बहुत खुशी लगुच। राजमाता आहुरी दीर्घायु हूँ बोली कामना करिछंती मयूरभंजवासी। बारिपदर माणिकलाल पाणी को रिपोर्ट ओटीवी।